सागंद है तुम्हें अपने अपने ईमान की, एक बूंद भी सनातन का हो अब चूड़ी पहनकर घर पर मत बैठो। तुम मेरा साथ दो, देखो माफ करिएगा मीडिया वालों की कोई दिक्कत नहीं, मीडिया वालों ने तो वही दिखाया जो था, वो तो विचारे मध्यस्थ है, भारत का चौथा स्तंभ है। और धन्यवाद पुनः पूरी भारत की मीडिया को हम व्यासपीठ से दे रहे हैं। हाँ लेकिन एक बात बोले पत्रकार महोदय, अपना मठा कोई पतला नहीं कहता है, ये मत समझिएगा, ये लोग कह रहे हैं कि बागेश्वर बाबा सनातन का झंडा गाड़ दिए। हाँ कभी वो लीजिएगा, वो क्या कहते हैं बागेश्वर बाबा, आई एम नॉट बागेश्वर बाबा, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्णा। बागेश्वर बाबा मीन्स हनुमान जी, आई एम नॉट बागेश्वर धाम सरकार, आई एम ओनली धीरेन्द्र कृष्णा। आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश बट आई अंडरस्टैंड योर फीलिंग्स एवरी वन माई डियर। हा तो मेरे माई बाप सच बतावे, भारत के इतिहास में काउ पादरी इतना एक्सपोज नहीं भया, 40 करोड़ लोग बागेश्वर धाम के साथ हुए। क्यों? क्योंकि सच कह रहे हैं, हम कोई महिमा गाने के लिए बात नहीं कह रहे, हम ना चमत्कारी हैं, ना हम कोई ईश्वर हैं, ना हम कोई आपसे प्रमाण पत्र चाहते कि हमारे पास शक्ति है। हम सिर्फ इतना कहते हमें बालाजी ने जो दिया वो है, लेकिन हम सनातनी हैं, जो है वो तो है। और फिर कहते हैं किसी को भी लगता हो भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, तो वेलकम टू यू बागेश्वर धाम दरबार। आप आओ, स्वागत है। और फिर कहते बागेश्वर धाम पर दरबार पुनः लगना है, और जो जो उंगली उठाए थे जहां से कथा शुरू हुई वहीं विराम करना पड़ेगा, क्योंकि पहली दिन की कथा चुनौती से शुरू हुई थी। हाँ हमें पूरा याद रहता है, एक एक वाक्य चुनौती से शुरू हुई थी। तो विराम भी हम ये कर रहे हैं कि जब चुनौती से कथा शुरू हुई तो हम फिर कहते भारत के इतिहास में हम पर इन संतों का ऐसा आशीर्वाद है, इन ब्राह्मणों का आशीर्वाद है, हमारे गुरु ने हमें चुना है। हम ये कहते हैं कोई भी पादरी या मौलवी या भारत का जो व्यक्ति कहता हो कि ईश्वर नहीं होता, कोई दिव्य शक्ति नहीं होती, किसी भी लेवल से वो आकर के सामना कर ले, ठटरी भरेगी, हर बार ठटरी भरेगी। हाँ जितनी हमारी सामर्थ्यता है, हम ये नहीं कहते हम कोई दावा करते कि हम शक्ति दिखाएंगे कि क्या दिखाएं, दरबार में किसी और की सामर्थ्यता होती उतना हम, ये अपने इष्ट पर भरोसा है, अपने प्रभु पर भरोसा है, तो कोई भी आ जाए मुंह खाकर जाएगा। तो आप कहो कि ये माइंड रीडिंग है, माइंड रीडिंग में व्यक्ति सामने चाहिए, माइंड रीडिंग में व्यक्ति को कहते आंखें बंद करो, किलू लाओ, अपने मित्र का नाम याद करो, माइंड रीडिंग में नेत्र बंद करो, और हम आपको कहते हैं कि हम पहले से पर्चा लिख कर रख देंगे, तुम जिसको उठाओगे उसका निकलेगा। हाँ ये माइंड रीडिंग से बाहर है। और माइंड रीडिंग यहां क्यों बंद हो जाएगी? क्यों? क्योंकि तुम उठाओगे उसी को जिसे हमारे बालाजी चाहेंगे, तुम भेजोगे उसी को जिससे सन्यासी बाबा चाहे, मेरे माई। लेकिन एक है, ये भारत ऐसा है जहां कबीर को भी, रैदास को भी, तुलसीदास जी को भी कसौटी पर कसना पड़ा, तो हम कौन खेत की मूली है। तो भारत अद्भुत देश है, यहां दीवाल की लिखावट पर मना करने के लिए भी दीवाल पर लिखना पड़ता है कि यहां लिखना मना है। हा यही पाया जाता है,
यहाँ लिखना पड़ता है, यहाँ लिखना उसके लिए भी लिखना पड़ता है, उसके लिए भी लिखना पड़ता है। और दुनिया भी अद्भुत है, अद्भुत अद्भुत है। तरह तरह के लोग कुछ ना कुछ वो बोलेंगे। भैया कितना भी भगवान राम को टिप्पणी करने से नहीं छोड़ा, हमें कब छोड़ें? हमें किसी से कोई बुराई नहीं, कोई टिप्पणी करना उसको थैंक यू वेरी मच एंड सेम टू यू।